Hi guys, this is me, your favorite AKR, and you are watching Akshay Kumar YouTube channel. So thank you so much पहले तो क्योंकि आप लोगों ने अद्वी के एंट्री वाले ब्लॉग को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, इतनी सारी विशेज दी उसको, तो थैंक यू सो मच मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू सो मच. और उसी की तरह ये एक और ब्लॉग है जो है उसकी लोहड़ी के ऊपर, तो उसकी फर्स्ट लोहड़ी थी और हम जितना हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा, बट जितना कोविड की गाइडलाइंस है और दिल्ली के अंदर तो वैसे भी इतना स्ट्रिक्ट है, तो जितना उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते थे हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करा. बस सीन ये था कि उस टाइम पे भी मैं सब फोन उठा के अपना इंट्रो या फिर अपना क्या नाम है वीडियो का इंट्रो नहीं शूट कर पाया था, तो वीडियो का ये पार्ट मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बट लोहड़ी की बहुत सारी फुटेजेस मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उसको कंबाइन करके एक पूरा व्लॉग रेडी करता हूँ. जैसा कि आपको पता है अद्वी की आज पहली लोहड़ी है, तो आज मम्मा ने उसके लिए बनाया है पूरी, आलू की सब्जी और रायता. और यहाँ पे देखो ये लालू हमारा ये खा रहा है और अद्विक की मम्मा यहाँ साइड में बैठ के फोन चला रही है और अद्विक ये ना मेरी गोदी में सो रहा है. ठीक है, बाकी मैं इसके फेस बाद में रिवील करूँगा क्योंकि अभी सब मैंने मना कर रखा है कि अभी हमें इसकी वीडियोज़ और फोटो ज़्यादा नहीं डालनी है. तब तक देखो हम लोग डिनर करते हैं, फिर नीचे चलते हैं, फायर जलाते हैं और मस्ती करते हैं. चिंटू कैसा लग रहा खाना? टेस्टी. वैसे आलू की सब्जी खाऊंगी, ये जो आलू की सब्जी थी वैसे तो पूजा दीदी बनाई थी, बट उस बेचारे को ये दाल ही खानी पड़ेगी क्योंकि अभी उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो दाल ही खा रही है बेचारी. गाइस ये है हमारा रोड़ी का प्रसाद, तो ये नानी के घर से आया था और हर साल तो मेरे लिए आता है बट इस बार अद्विक के लिए आया है. मम्मा बैठी है और पूरी दीदी बैठी है और ये अद्विक, अद्विक का फेस देख लो. पर मैं अब व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड करूंगा क्योंकि तब तक उसका जो हमें टाइम बोल रखा है वो पूरा हो जाए. और ये अद्विक के कपड़े हैं, ये नोनू लेके आई है जो मेरी छोटी बहन है, और ये भी कपड़े हैं नानी, ये नानी जी ने दिए थे, और ये वाली जो ड्रेस है ये बहुत प्यारी है, ये नोनू लेके आई है. तो गाइस अभी क्या सीन है ना कि दिल्ली में ठंड तो बहुत ज्यादा ही है, तो इसलिए हम लोग प्रसाद को अद्विक का हाथ लगवा देते हैं और एक मंथ का ही है. हाँ, तो अभी हम इसको नीचे लेके जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है, और ज्यादा सर्दी है तो यार बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता ना, तो इस वजह से हम इसको लेके नहीं जा रहे, बट हम प्रसाद में इसका हाथ लगा रहे हैं और फिर हम प्रसाद सब लोगों को बांट देंगे. ये अद्विक, ये अद्विक की फसल हो रही है यार. जैसे आपको पता है ऊपर तो वो जगह है जो मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे आपने मेरे पिछले ब्लॉग भी देखोगा, तो ये ना लकड़ी वकड़ी हम लोग दोपहर में ले आए थे, और ये पार्किंग है, ये मेरी इंट्रूडर खड़ी, ये स्कूटी खड़ी, पर हम लोग ये सब लोग सब कुछ बाहर जलाएंगे क्योंकि अगर हम अंदर जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं बढ़ जाएगा. तो गाइस ये अपना घर है और हम लोग यहाँ नीचे लगा रहे हैं, और आग का सेटअप तो कर दिया है उसी तरह, भी इसको अभी आग लगाने वाले जलाने की कोशिश कर रहे हैं. यार मैं तो ट्राई किया था मुझसे तो हुआ नहीं, तो इसी तरह हम भैया ही जलाएंगे इसको. तो देखो गाइस बहुत मेहनत के बाद फाइनली कितनी अच्छी आग जल गई है, अब टाइम है अधिक को बाहर ले जाने का. छोटे छोटे बच्चे अपना योगदान करते हुए. ओहो हाँ, तोड़ ना तो तोड़ ना उसको. हाँ तोड़, यस नहीं टूटा. ओ वाह, हाँ बहुत सी आग जल गई यार, जल्दी बुला लेते हैं उनको, दीदी को और अद्विक को भी, फिर शुरू करते हैं प्रसाद प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर खाते हैं, फिर ऊपर चलेंगे यार, ज़्यादा ठंड हो जाएगी नहीं तो. देखो गाइस दीदी और मम्मा और बाबू तीनों बाहर आ गए हैं और अभी लोग प्रसाद चढ़ाने वाले हैं. देखो गाइस घर में मतलब दो चार पांच जने होते हैं, बट जब हम लोग नीचे आते हैं तो हमारी पूरी गली एक साथ आ जाती है और सब लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं, तो मज़ा आता है बहुत. देखो सब लोग आ गए, मोनू भी आ गया, दीक्षु भी आ गई, दीक्षु आ गया. ओ ए देखो देखो ये डर रही है थोड़ा सा, लेकिन खत्म करना, बाय बाय गया. सब चढ़ा दी के प्रसाद. तो गाइस देखो सेलिब्रेशन शुरू हो गया, दो लोग वो लोग आ गए, सब भाभी आंटी सब लोग आ गए हैं. हाय करो भाई, जो जो मेरे को सब्सक्राइब करता है ताली दो, ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर्स हैं.
को नीचे छोड़ के मम्मी भी आ गई, मम्मी बैठी और आदित्य भी बैठी है, ये लोग भी नीचे आ गए। और देखो इन्होंने बस दोनों मंगा लिया है और अपना खाना पीना पार्टी करना शुरू कर दिया है। मम्मा प्लीज भी देख लो ब्लॉग बन रहा आपका, हाय तो बोल दो। डांस डांस कर दो दीक्षु, डांस कर दो। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, डांस करते करते बेचारे की गाड़ी आ गई। बहुत क्यूट है ये, बहुत क्यूट है ना दीक्षु। देखो गाइस हमने कितनी मेहनत करी थी आग जलाने में और कितनी बढ़िया आग जली है और कितने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं देखो। और जबकि हम लोग घर के अंदर मुश्किल से 5-7 लोग ही रहते हैं, मतलब घर के पूरे घर के अंदर तो। और देखो हमारे गली में कितनी रौनक हो जाती है। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से लोहड़ी सेलिब्रेट करी, उसी से रिलेटेड एक और गुड न्यूज़ आपको दे देता हूँ कि अधिक से रिलेटेड एक और वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। और वो देख के आई एम रियली रियली श्योर कि आप लोगों को बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैंने पूरा उसको कंप्लीट व्लॉग की तरह ही शूट करा है, स्टार्टिंग टू एंड, मतलब फ्रॉम दी स्टार्टिंग फ्रॉम टू दी एंड। तो मैंने उसको पूरा ही पूरा उस व्लॉग की तरह ही रिकॉर्ड करा है। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी। अभी फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लोगों को तो बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। टेक केयर।